طب نبيم ये आठ हज़ार 715 होटल ऐसे है जिसके अंदर वो बताना उनको डाटा जो बना ये यादी कौन सी यादी से पहली करे 13-3 तो पब्लिश डेट है ना मालेगांव से नाम आधार नेम यादी नंबर सीरियल नंबर एज से तो ये ऐसे है इसके अंदर फोटो है नहीं इसके बाद जो अपना सेशन क्रमांक रहता सेशन कार्ड क्रमांक वो भी नहीं है यानी सेशन क्रमांक एक कभी नहीं था सेशन क्रमांक नहीं एक कभी नहीं वो सिंपल इनका जो था यादी से पूरी ये 8715 वोट के ऊपर एक पर भी सीरियल नंबर में एक बार है ना ये देखो ये हम लोग ये उदाहरण है ये ऐसा है फोटो भी नहीं सीरियल नंबर भी नहीं और दूसरी बात सर घर का पता भी घर का पता हमारा निवास का होगा गली होगा दुरिया होगा वार्ड नंबर जो भी एक कभी पता नहीं सीरियल नंबर नहीं फोटो नहीं हाँ एक बात इसमें 50% हमारा ऐसा दावा है कि 50% बाप का नाम ही गायब है आए हुए सभी हमारे उर्दू मीडिया सेंटर के सभी अराकीन यूट्यूब चैनल सभी हमारे साथी मैं मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग शरीक रहे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को पता है एक डेढ़ महीने से मैं और मेरे साथी जो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं और मालेगांव शहर असेंबली हल्का 114 में डबल वोट 3 वोट 4 वोट 1 सबसिडी कई मरतबा वोट असेंबली की यादी के अंदर पाई गई और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर अखबारात के जरिए शहर की आवाम के सामने हमने रखा और प्रांत ऑफिसर जो 114 असेंबली हल्का का निर्णय निर्णय अधिकारी भी इलेक्शन ऑफिसर भी है उनके सामने हम लोगों ने कंप्लेन दाखिल की और 4 पीस तो हमारी 2000 डबल कहीं 3 वोट कहीं 4 वोट कहीं 5 वोट ऐसे 2000 डबल वोट ट्रिपल वोट हम लोगों ने पहरिस्त सबूत के साथ प्रांत ऑफिसर को दिया और प्रांत ऑफिसर को नहीं बल्कि नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उनको भी हमने कंप्लेंट दी जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर का नुमाइंदा महाराष्ट्र के अंदर बैठता है मुंबई में मंत्रालय में उनको भी हमने कंप्लेंट दी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट दी इस तरीके से हमारी ये मुहिम चल रही है और नए नए मामला असेंबली की यादी के अंदर सामने आ रहे हैं और मैंने इससे पहले भी ये बात बिल्कुल साफ तौर पर वाजे कर दिया था आज दोबारा मैं इस बात को वाजे कर रहा हूं एक वोट किसी की है तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेकिन किसी एक शख्स की 2 वोट है 3 वोट है 4 वोट है 5 वोट है 6 वोट भी हमको मिली 8 वोट भी हमको मिली एक शख्स के नाम पर सियासी लीडरान के घरानों की भी वोट हमको डबल ट्रिपल मिली हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है एक वोट एक शख्स की रहे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं
और पीछे भी मैंने ये बात बिल्कुल वाजे किया था, दोबारा कर रहा हूँ, इसमें कांग्रेस पार्टी के वर्कर अगर दिखते हैं तो उनकी भी डबल कट होना चाहिए, या कोई भी सियासी पार्टी के वर्करों की या लीडरान की या लीडरान के बच्चों की वोट नजर आती है तो वो भी कट होना चाहिए, और साफ सुथरा इलेक्शन मालेगांव शहर के अंदर आइंदा होना चाहिए। बोगस इलेक्शन, बोगस वोट तक वोटिंग बढ़ाकर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है और उसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमने आप लोगों को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि आज जो प्रांत ऑफिसर को, इलेक्शन ऑफिसर को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम निवेदन आज जो दिया, अभी तक हमने आठ निवेदन मेमोरेंडम निवेदन हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज जो एक विशेष बात, खास बात यह है कि ये आपके सामने ये पूरी यादी मेरे पास है जो आज हमने उनको प्रांत ऑफिसर को सौंपी है, इसमें 8715 वोट ऐसी निकली है जो फोटो ही नहीं है, वोटरों का नाम दिख रहा है, नाम नजर आ रहा है लेकिन फोटो नजर नहीं आ रहा है। 8715 एक बात। दूसरी बात, नंबर जो है, जो सेशन नंबर जो हम बोलते हैं आमतौर पर आईडी नंबर, वो नंबर हर वोट के सामने आपको नजर आता है। ये मिसाल के तौर पर ये फोटो के ऊपर हर नंबर नजर आता है, हर फोटो के ऊपर आप देखो ऊपर फोटो के ऊपर नंबर नजर आ रहा है, लेकिन 50% से ज्यादा ऐसा सबूत हमको मिले जो ये आपको दिख रहा है, सबूत के तौर पर नाम है, मोहल्ले का नाम दिखता है लेकिन फोटो नहीं दिखता, और फोटो के ऊपर जो आईडी नंबर सेशन नंबर होता है वो भी गायब। और तीसरी बात जो सामने आई है, कई लोगों के घर का पता ही नहीं है, उसके अंदर मुकम्मल पता नहीं है, सिर्फ हजार गोली बस इलाके का नाम है, घर का नंबर नहीं, गली नंबर नहीं, इस तरीके की 3-4 खामियां 8715 वोटों के अंदर नजर आई, वो आज हमने प्रांत ऑफिसर को सौंपा। और हमारा ये बोलना नहीं है इस मामले के अंदर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो मैं आपको सबूत बताया कि ये डुप्लीकेट वोट है, ये मेरा नहीं बोलना है, ना हमारा ये नहीं बोलना है। अगर कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, अगर उसका ओरिजिनल में नाम होगा इसके अंदर तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए, अगर एक वोट है तो हमने ये जो वोट हमको नजर आ रही है, ये थोड़ा हम लोगों को उसको बोले कि शक है, हमको शक शुबा है कि ये इसके अंदर बोगस वोटिंग की गई है, बढ़ाई गई है जानबूझकर प्री पैनिंग के तहत। इसके लिए हमने चौकसी भी डिमांड की है कि आप बीएलओ के जरिए, हमने पूरा यादी वाइज दिया है कि कौन सी यादी में कितने फिगर फोटो के, कितने नंबर नहीं है, कितना एड्रेस नहीं है, हमने पूरा बंच उनको दिया है यादी वाइज। हमने कहा है कि आप ये यादी के ऊपर जो बीएलओ है उसको, ये जितनी हम लोग सबूत दिया वो एक बीएलओ को तकसीम करें, वो बीएलओ को जाकर उसका सर्वे करवाए, वहां पर जाए, वो स्पॉट पर जाए कि ये शख्स कौन है कौन नहीं है, उनको टाइम दे, नोटिस निकाले और उनसे बोलो अगर फोटो है या का सबूत है तुम्हारे पास तो दुरुस्ती होगी तो दुरुस्त करवा ले, और अगर दुरुस्त अगर वो लोग नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब साफ है तो वो डुप्लीकेट वोट है, बोगस वोट है, इसलिए फिर उसको डिलीट कर दिया जाए। ये आज का हमारा ये बड़ा खुलासा हमारे सामने आया है, और आइंदा दिनों के अंदर इससे बड़ा डबल वोट, ट्रिपल वोट, चौबल वोट का इससे बड़ा खुलासा हजारों की तादाद के अंदर हम लोग करने वाले हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। और भी बहुत सारे प्री प्लानिंग के तहत जो गड़बड़ जो यादी में की गई है
वो आवाम के सामने हम एक एक करके ला रहे हैं और उसके ऊपर प्रांत ऑफिसर अभी तक तो नजर आ रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रांत ऑफिसर अगर टालम टाल की बात होगी, चौकसी नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो उस रोज कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेगी। और मैंने पहले भी कहा, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जितने सबूत हमारे पास इकट्ठा हो रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये एक मर्तबा हमारे पूरी यादी का सर्वे मुकम्मल होकर जो भी कोर्ट के ऊपर हमको शक है, जो डबल ओड है, ट्रिपल ओड है, वो हम पूरा सौंप देंगे। और प्रांत ऑफिसर अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो पूरा मटेरियल ले जाकर हम हाईकोर्ट के अंदर रीट करेंगे। और हमारी ये डिमांड होगी कि आधार लिंक होना चाहिए और एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम होना चाहिए शहर में, ये हमारी डिमांड होगी। उसके ऊपर हम आज भी कायम हैं, इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया था। अगर आपको इस ताल्लुक से कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।